मैं राठौर सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मुझ में कुछ तो ऐसा देखा होगा जिस कारण मुझे फिर से 864 में यहाँ पास स्टेज पर फिर से आमंत्रित किए। ओके, थैंक यू राठौर सर। अब हम बात करेंगे यहाँ पास 8 स्टेप। ये तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जिनको पता है। अच्छा, 864 के यहाँ पास कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है? कोई बात नहीं, ओके, पता है तो भी ठीक है, अगर वह नहीं है तो हम सीख लेंगे, क्योंकि तो सीखने सिखाने का ही बिजनेस है, वो कोई इशू नहीं है, सीखना ही है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा। 864 जो हमारा स्टेप होता है, हमको 8 ऐसे स्टेप लेना है जो हमें सक्सेस की ओर ले जाती है, 6 हमें कोर एक्शन लेने हैं, और जो 4 जो है बिजनेस वैल्यू है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो इसमें से कुछ चीज़ों को आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर हमारे हाथ में जो है छोटा सा यंत्र जिसको हम क्या मोबाइल, ये जो स्क्रीन शॉट लेते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या हट भी जाता है, और फिर बाद में ले तो लेते हैं, खोजने से मिलता नहीं। तो कुछ चीज़ें जो अच्छी लगेगी उसे ज़रूर नोट्स कीजिएगा, क्योंकि हमारी हैबिट ही सब कुछ होती है। एक कई किसी ने कहा और कई जगह हमने पढ़ा भी है कि अगर हम किसी भी काम को कम से कम 66 डे अगर हम उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारी आदत हो जाती है। ओके, तो 8 स्टेप के बारे में हम बात करते हैं। ओके सर, नेक्स्ट 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, इसके बारे में हम जानेंगे, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसके बिना भी बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, हम छोटी छोटी चीज़ों को है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रोल है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, फिर उससे हम अपने आप को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहली चीज क्या आती है, बात वहीं पास आती है, गोल। ठीक है, सेट गोल। हम अपनी लाइफ में जब तक गोल सुनने में तो लगता है ना, अभी सुबह सेशन हुआ था जिसमें राठौर सर बहुत अच्छा सेशन लिए थे, जिसमें मतलब अपने एक ड्रीम के बारे में बात किए थे, और उसमें चूंकि सपने तो हमारे बहुत होते हैं, लेकिन हमारा जो इनकम का सर्किल बताए थे वो बहुत छोटा होता है। तो जस्ट वही चीजें यहाँ भी लागू होती है कि हम अपनी इनकम को सिस्टम को थोड़ा बढ़ाना है, तो जस्ट है कि सेट ये गोल, तो उस गोल को हमको सेट करना है, हमें डिसीजन लेना है, डिसाइड करना है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग गोल हो सकता है, ये नहीं कि सब लोग सेम गोल को लिखें। जैसे सपोज माने हम अपनी टीम से बात कर रहे हैं तो बोलते हैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा सा घर चाहिए, अच्छी सी गाड़ी चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजें मतलब तो ना सेम टू सेम है, सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं, जिनका जो भी हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इनको फुलफिल करता हो वो बिल्कुल लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं ना तो भूल जाते हैं। ये सिर्फ कहने की है कि हम उसे याद रखते हैं, कुछ याद वगैरह रहता नहीं, क्योंकि उसको हम लिखेंगे और फिर बार बार जब हम उसको देखते हैं, हो सके तो उसको लिखने के बाद के दीवार विवार में चिपका दीजिए, सुबह उठे तो फिर उसका दर्शन पड़े। अच्छा, समझ रहे हैं? दिल से, मैंने जैसा ही बोला कि सिस्टम को बिलीव करना है। बिलीव कब होगा? जब हम उसको बार बार देखेंगे तभी हमें वो बिल्कुल यहां से वो सीधा सेटअप होता है। तो सेट ये गोल, इसके लिए हमें क्या, आप शॉर्ट टर्म गोल ले सकते हैं, छोटा गोल, सपोज मुझे 1 महीने या 1.5 महीने में क्या करना है इस व्यवसाय से। सब यहाँ पास अपने अपने प्रोफेशन में, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, सबका अपना अपना हो सकता है, यहाँ पास हर तरह के लोग हैं, पैसे की यहाँ पास दिक्कत नहीं है सभी लोगों के पास में, लेकिन वहां से नहीं, ईमानदारी के साथ इस व्यवसाय से, इस बिजनेस से आपको एक पहले छोटा गोल, उसके बाद में जो आपका मीडियम जो गोल है कि भाई हमको 6 मंथ में क्या करना है, 1 ईयर में क्या करना है, 10 ईयर में कहाँ जाना है, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, और जो लॉन्ग टर्म जो है आपका वो बिल्कुल सेटअप होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि आप लोग बिल्कुल इसको लिखेंगे और इसको नोट करें तभी जाकर के जो है हम अपनी बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को मैंने यहाँ पास आने से पहले फर्स्ट सेशन में बोला था, आप लोगों ने एक प्रॉमिस किया है, मैंने आप लोगों से डायमंड जाने का सीक्रेट बताया। ओके, गोल बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गोल हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास सपने नहीं है, डिजायर नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर तो वही हुआ ना, करने कुछ और जा रहे हैं, कर कुछ और लेते हैं। तो सेट गोल करना बहुत जरूरी है, जो आपको मध्यम जो भी हो, जो जिनका जैसा हो, सबका अपना अलग अलग हो सकता है। ओके, नेक्स्ट सर, अब
टॉक अबाउट प्रोडक्ट। देखिए ये बार 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 प्रोडक्ट ही आती है, किसी भी सेशन बिना प्रोडक्ट का मतलब जाएगा ही नहीं। क्यों आता है? क्योंकि हम जिस व्यवसाय में, यहाँ प्रोडक्ट हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर हमारा वो है प्रोडक्ट, तो हमको लोगों से प्रोडक्ट के बारे में तो बात करना ही होगा ना। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते, चाहे गोल सेट करें या कुछ भी करें, नाम यूजर है ना बात करेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रोडक्ट के बारे में बात करना, प्रोडक्ट क्या बात करना है। और यहाँ कितना अच्छा यूनिक प्रोडक्ट है, जिसको सिर्फ अगर लोगों को हम ऐसे भी कई यहाँ पास है जो ब्रश पेस्ट को यूज किया, अगर किसी को ऐसे ही देते हैं तो दोबारा डिमांड करता है, मांगता है या नहीं मांगता है। और अगर नहीं भी मांगता है तो ये नहीं बोला हमारा प्रोडक्ट को किसी ने कि आपका प्रोडक्ट जो उतना अच्छा नहीं है। हाँ ये जरूर कुछ लोगों को बोलते हैं कि महंगा है, बट महंगा तो नहीं है, आप लोग सभी यूज किए, महंगा लगता है कि आज की महंगाई में 120 रुपए टमाटर बिक रहा है तो उस हिसाब से तो आपका पेस्ट कुछ नहीं मार है 50 ग्राम, ठीक है। टमाटर तो एक महीने में कहाँ चलेंगे, एक सप्ताह में कई किलो लग जाते हैं घर में शायद ये तो। उसके बाद आपका ठीक है, हमको अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने में बिल्कुल जिस प्रकार से हम प्लान दिखाते हैं, हमको प्रोडक्ट को भी दिखाना है, उसके बारे में शेयर करना है लोगों को, ठीक है। और साथ में अगर उनका कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट की रिकॉर्डिंग, जिनको हमने यूज करने के लिए दिया है, यूज करने के बाद भी उनको देखिए कि सपोज मानिए कि आपने उनको कुछ भी सेल किया, अगर वो आपके साथ नए कस्टमर है, उनको आपने अगर पेस्टी दिया या मान लिया इवनिंग केयर का सेट दिया कुछ भी, तो हम सभी को पता है कि लगभग कुछ न कुछ तो कुछ 3 महीने की नहीं क्या, उनके फैमिली के रिक्वायर से हो सकता है 4 महीने खत्म हो जाए, फिर हमको उनको रिकॉल करना है। और एक चीज ऐसा जानते हैं कि यहाँ पास LIC से कितने लोग, कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, नहीं है, है? अच्छा सर है। देखिए LIC में होता क्या है कि अगर किसी की पॉलिसी कोई करते हैं, सर ने भी हाथ उठाया, तो वो उनकी जब पॉलिसी जब आपका मैच्योर हो जाता है या आप अगर पॉलिसी लेने वाले होते हैं तो आपको कॉल करते हैं, लेकिन अगर आप ठीक से रिप्लाई नहीं करते जब वो खाना खाते हैं तो आपके घर पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ में? होता है, नेचुरल हम भी करते हैं, हमारे साथ में कुछ लोग नहीं जुड़ते थे ना, जहाँ पहले पता करते थे खाना किस टाइम में खाता है, 1:30 से 2 बजे खाने के टाइम खटखटाते थे, सर आपने वो बोला था प्लान के लिए, अच्छा बोला क्या करना है बताओ, क्योंकि तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो अपने रिलेशन के हिसाब से भी ऐसा कर सकते हैं, बट ये भी एक है कि हर पॉलिसी वाला खाना खाने के समय ही घर में पहुंच जाता है, वो आदमी नहीं लेता है। तो हमें यहाँ पास जो है मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करना है, क्योंकि पॉलिसी तो कोई शेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जरूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर, फिर वो कॉन्फिडेंस हमें कब आएगा, जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमको प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करनी है। उसके बाद में मेकिंग लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया मेकिंग लिस्ट तब होगा जब हम लोगों को प्रोडक्ट सेल करेंगे, लोगों को हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उनके नाम को हम बिल्कुल रजिस्टर में लिखेंगे, हमने उनको किस डेट में क्या प्रोडक्ट दिया था, और उनको जरूर उनके फैमिली में भी पता कीजिए कितने मेंबर हैं, हमारा प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं तो बीच बीच में उनको पूछिए कि भाई आपको जो हमारा प्रोडक्ट था उसको यूज किया कैसा लगा, ठीक है। तो जरूर बोलेंगे, या तो बोलेंगे अच्छा लगा या तो बोलेंगे खराब लगा, तो खराब लगा तो भी पूछे कि इसमें खराब क्या लगा, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। लेकिन बट ऐसा अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं कि खराब लगा है, ठीक है। लोगों को प्रोडक्ट निश्चित है बहुत ही अच्छा लगता है, तो उनको प्रोडक्ट में मेक ए लिस्ट, उसको कैटराइज करना है। लिस्ट को कैटराइज करने का मतलब होता है कि आपके पास में, अच्छा जैसे कि अभी सर बता रहे थे, कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, मैं बोलता हूँ हर व्यक्ति के पास में इतने लिस्ट है, उसको अच्छे से अगर उसको अगर अच्छे से कैटराइज कर ले, देख ले, उसको अच्छे से नंबर में डाल दे, उसमें ए बी सी ऐसा करके कैटेगरी वाइज बांट दे, तो इनके बहुत सारे लिस्ट है। एक छोटा मोटा हम अपने घर में बच्चों का बर्थडे पार्टी भी मनाते हैं ना, तो कम से कम 100-150 लोगों को तो बुला ही लेते हैं, शादी विवाह में तो खुद को पता नहीं रहता है कि 1000-1200 लोग कार्ड बांट देते हैं, उसमें हमें अगर 4 बंदे नहीं मिल रहे थे तो बड़ा मुश्किल है, शायद लिस्ट किसी के पास कमी नहीं है, और अगर कमी है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए लोगों से बात किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको कैटराइज कीजिए कि इसमें से कौन से बंदे का प्रोफाइल क्या है, उसमें आपके लिस्ट में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ ब्यूटिशियन हैं, न्यूट्रिशियन हैं, वो सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है, रिक्शा चलाने वाला भी हो सकता है, आपके बच्चे को स्कूल छोड़ने वाला हो सकता है, आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ के स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं या फिर उनके आपके बच्चे के जो उनके दोस्त होते हैं, फिर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, फिर ये छोटी छोटी चीज़। और इतना ध्यान जरूर रखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फैमिली बिजनेस है, तो उसमें आपके ये नहीं कि हम अगर कर रहे हैं तो हमारे घर में कोई बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, या हो सकता है कि हमारे सास ससुर हैं या दादा दादी हैं, तो उनको छोड़ दें, और उनका लिस्ट तो हमसे भी बड़ा है, उनको भी जरूर उनके लिस्ट पर काम कीजिए,
तो ये करना बहुत जरूरी है। सेट गो टॉक अबाउट मेक दिस टॉक मेक फोन कॉल। फिर वही चीजें जैसा कि इसके पहले भी था, फोन कॉल के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं, बट फिर भी बोलूंगा फोन कॉल में हमें वही बातें करनी है लोगों से, हो सकता है जो उनको सुनने में अच्छा ना लगता। कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में भागते हैं, अरे भाई बहुत सारी कंपनियां आई गई, होता तो कुछ नहीं है, वो आपको बार बार इग्नोर करेंगे, लेकिन आपको वहां पर नो सुनना पड़ेगा, आपको बार बार उनको फोन करना है, उनसे पूछना है। फोन करना मत छोड़िए, क्योंकि ये उनका विचार है आपका नहीं, आपको जान रहे ना व्यवसाय कैसा है, तो हमें उनको बार बार कॉल करना है बिजनेस को मतलब लेकर के। फोन तो हम लोग करीब करीब दिन भर बात करते हैं इधर उधर, लेकिन वो बिजनेस की बात कीजिए और उतना ही बात कीजिए जितना फोन से रिलेटेड है, ये नहीं कि हम जानवरों से ज्यादा बात कर रहे हैं, आपसे बोर होकर कैसे आपको फोन उठाना बंद कर देंगे। तो फोन जरूरी है। और उसके बाद में सबसे मेन चीज क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज है, जैसा कि अभी बताया अंकित सर, एक मैडम आई थी जो शायद अभी यहाँ पर बोल रही थी, वो 200 उनके पास में ब्यूटिशियन है, उनको ट्रेंड भी करने वाले, उनको बोला कि जब वो खुद भी बोले कि मुझे थोड़ा सा मतलब क्या वो लग रहा है, थोड़ा सा मैं बाद में बात करूँ। सभी को होता है नेचुरल, ये तो ह्यूमन नेचर है, हम भी अभी काम रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है, उसको बिल्कुल किया जा सकता। तो मतलब यहाँ पास आपको जो है बिल्कुल कोई भी चीजें हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंसली बात करना है। और सबसे मजे की चीज है जब वो फोन में बात करते हैं तो सामने में कोई होता है क्या, जिससे हम बात कर रहे हो तो है ही नहीं ना, तो फर्क क्या पड़ता है कि हम उनसे क्या मतलब कैसे कितने कॉन्फिडेंस में बात करें, ना हो तो उसको लिख लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, हम देख करके बोलेंगे, अरे देख के तो बोल ही सकते हैं ना। तो ये छोटी छोटी अपनी मतलब एक्टिविटी को अपनी लाइफ में धीरे 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 चेंज करना है और वो चेंज होते चला जाएगा। उसको लिखिए कि अगर हमको उनसे बात करनी है और उनसे बात करने में घबराहट होती है तो भैया वहां तो सब जगह फोन में बात कर रहे हैं तो सामने तो होता नहीं, अगर सामने तो फिर फोन की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधा है कि ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हम फोन में क्या करेंगे, कॉल में बिजनेस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बिजनेस एक्सप्लेन करने में बहुत लोग बोलेंगे भाई बिजनेस तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, कई नए लोग हैं, बिजनेस को एक्सप्लेन कैसे करूं। तो वो बहुत ही सिंपल है, अगर कुछ भी नहीं बता सकते तो इतना तो पता नहीं एकेडमी में पैसा आता है, तो आप ये तो बोल सकते हैं ना कि सर अगर आप पहले जिनसे अगर कॉल करते हैं तो आपके जो भी स्पॉन्सर हैं, या अगर आपके स्पॉन्सर हो सकता है नए हो तो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में कोई ना कोई एक्टिव है, आप उनको पकड़िए, बोलिए कि हमारा प्रोस्पेक्ट है, उनसे मैं कॉन्फ्रेंस करवा रहा हूं, या कहीं पर उनको मीटिंग है तो आप उस मीटिंग को प्रमोट कर दीजिए। जैसे प्रकार से यहाँ पास जयपुर में एक मीटिंग रखी गई, आप लोगों ने एक लोग दूसरों को प्रमोट किया होगा, देखिए लोग यहाँ पास आए, अब निश्चित है कि आप लोगों का काम थोड़ा आसान हो गया, हुआ या नहीं हुआ, यस या नो, हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल है और धीरे धीरे हम करने भी लगेंगे, कोई इतना भारी चीज तो है नहीं, तीन गोले जो बनाना है लेफ्ट में राइट में करके और तो कुछ है नहीं, इसमें तीन गोले बनाना कौन सी भारी बात है, सिंपल प्लान है और प्लान ही बहुत ही सिंपल है। और इसमें ऐसा नहीं, और मैंने धीरू भाई अंबानी की पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने बोला कि जो बंदा अपने प्लान को 2 मिनट में नहीं समझा पाया वो बिजनेस नहीं कर सकता, एकदम फैक्ट है, बहुत सिंपल है। तीन गोले बनाने हैं, तीन गोले समझ गए ना, फिर गोले के ऊपर गोला डालना है, जितने आपके गोले होंगे उतना ही आपकी अर्निंग होगी। बोलिए व्यवसाय अच्छा है ना, गोले मतलब समझ रहे हैं ना जो मैं बोलना चाह रहा हूं बस, ठीक है। उसके बाद में हमको फोन मतलब क्या बताना है, कंपनी का थोड़ा सा प्रोफाइल अगर मान ले जाए कि कुछ अभी पूरे हमारे कई लीडर्स हैं, एक से एक अच्छे लीडर्स यहाँ पास आए हैं, तो कंपनी के बारे में पूरा अंकित सर ने क्या नहीं बताया, ठीक है। और कल तो मैं चूंकि मीटिंग में था नहीं, मेरी ट्रेन लेट थी, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला कल आप लोगों की मीटिंग बहुत ही शानदार हुई है। तो निश्चित है कि उसमें मतलब टोमी शायद प्लान भी था उसमें, प्रोफाइल वगैरह, और आज मॉर्निंग में भी मतलब चल रहा था। तो प्रोफाइल शॉर्ट में ही बताइए, अगर ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते इतना भी बता ही सकते हैं कि कैरी कोलमार क्या है, सभी को पता है, ठीक है। उसके साथ में भाई हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं, साथ में आप तो थोड़ा सा उनको ये बताइए कि इसमें फ़ायदा ये है कि हम कहीं ना कहीं से कंज्यूमर हैं तो आप भी रहें, इसका बेनिफिट होता है। अदरवाइज अगर वो ज़्यादा ही आपसे क्वेश्चन करते तो मैंने क्या बोला, फोन कॉल है लिख करके रखिए। हम लोगों ने तो अपना व्यवसाय को सिर्फ जूम से फैलाया है कोरोना काल में, हमने तो कई लोगों से आज तक मिले ही नहीं अपने टीम में,
तो ये कोई मतलब भारी चीजें नहीं है। तो आप प्रोफाइल की बात कीजिए, प्रोडक्ट की बात कीजिए, जो भी उनका विजन है उनको जरूर क्लियर कीजिए, उनके डॉट को उनका विजन क्लियर होना जरूरी है। अगर उनका विजन क्लियर नहीं होगा बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगा। विजन क्लियर कब होगा लोगों का? जब खुद का विजन क्लियर है। खुद का विजन क्लियर है तो हम लोगों का विजन क्लियर कर पाएंगे, लेकिन हमारा खुद का ही विजन क्लियर नहीं है तो क्या लगता है हम लोगों को क्लियर कर पाएंगे क्या? कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले खुद को विजन को अपना क्लियर करना है। अगर हो सकता है कि सेमिनार में आकर के कुछ लोगों का, आप लोगों में से बहुत लोगों का विजन क्लियर हुआ हो, अगर नहीं हुआ तो बार 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 कर करके कर कर, सभी के साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, सभी के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो विजन को क्लियर हम, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हम किसी को स्पॉन्सर कर देते हैं ना, स्पॉन्सर में समझते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्पॉन्सर कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, और अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते रियली में तो स्पॉन्सरशिप अभी मत कीजिए। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, क्योंकि आपका अपलाइन के पास बहुत सारे काम तो कितना करेगा, तो हमको सीखना है और उनको बताना है, ठीक है। विजन अपना क्लियर करना है, जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो फिर हम टीम को कर देंगे। फिर वही चीज है प्लान। प्लान क्या है हमारा? लेफ्ट राइट बोले तो बोला, क्लियर है? नेक्स्ट yes, अब आता है आपका। हाँ, अब हम करेंगे फोन कॉल हो गया, एक्सप्लेन बिजनेस मतलब 48 फॉलो 48 आवर्स में क्यों जरूरी है? उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, और ये हम नहीं बोलते हैं, कई बुक को हमने भी स्टडी किया, उसमें पता चला है कि अगर हम ह्यूमन नेचर है कि अगर हम किसी को कुछ भी बताते हैं और 48 घंटे के अंदर उनसे फिर से फॉलो नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, आप बतावे मत कीजिए उससे अच्छा है। इसलिए 48 घंटे में कम मतलब हो ही जाना चाहिए, 48 घंटे के बाद नहीं होगा, उसके बीच में अगर आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 48 घंटे के अंदर आपको फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो फिर वो निकल जाता है, वो समझ में नहीं आता फिर लोगों को, क्योंकि जो आपने बताया 20 मिनट 25 मिनट या जो भी आप दिए उनके साथ बात किए या जाकर के उनके सामने में अपना प्लान रखा, उनको प्लान बताया, उनको फॉलो ही नहीं करेंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं उनके दिमाग से निकल जाएगा। और फिर ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने कई लोगों को ऐसा किया फिर बाद में अच्छा वो जो आप बताए थे वो क्या है ना मैं भूल गई थी, ऐसा होता है, तो फिर से वो वहीं हम चले आते हैं, तो उनको जरूरी है, ठीक है। काउंसलिंग, अब देखिए काउंसलिंग तो यहाँ पर सभी समझ ही गए होंगे, काउंसलिंग हमें क्यों जरूरी है, काउंसलिंग इट मीन्स क्या है, काउंसलिंग का मतलब क्या करना है, काउंसलिंग का मतलब हमें अपने साथ में जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं जिनको भी हमने इस बिजनेस में लाया है, वो लेफ्ट हो सकते हैं राइट हो सकते हैं दोनों साइड, उनके साथ में हमको काउंसलिंग करना है, उनसे हमको बातें करना है, क्या क्या बातें करना है, उनसे बिजनेस के बारे में बात करना है, उनको कहीं कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, और उनको क्या दिक्कत हो रही है उनके साथ में हमको वर्क भी करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब जिसको अगर हम देखिए ये हर कोई कर सकता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो इस हॉल में बैठे सभी लोग कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ओके। अब यहां पास कुछ चीजें हैं जो आपको कई लोग क्या बोलेंगे कि मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है, तो उनको बोलिए कि आप किसी को नहीं जानते। अच्छा सपोज मानिए यहां पर बहुत से लोग ऐसे जिनको लग रहा हो कि मेरे पास लिस्ट में किसी को नहीं जानता, ऐसा होता है या हो रहा है, हो रहा है किसी को, कोई यहां पास है ऐसे जो किसी को नहीं जानते हैं? ये चूंकि क्वेश्चन आता है, अगर हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो बोल देते हैं सीधा सीधा कि भैया मैं तो किसी को जानते ही नहीं, मैं किससे बात करूं, हर बंदा जानता है, फिर भी मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर किसी भी बंदे को, अगर मैं यहां पर जो भी हॉल में बैठे हैं अभी ऐसे बोलूंगा तो 10 से 15 लोगों को नाम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर बोलेगा एक नाम के पीछे में आपको लाखों रुपया मिलना है तो बताइए कितने नाम लिख सकते हैं आप लोग, अगर एक नाम के पीछे लाख रुपया मिलना है तो कितने लोगों को नाम लिख सकते हैं, 100-150 लोग तुरंत लिख देंगे, फिर उसमें टाइम नहीं लगना है, और ऐसे उनको दिक्कत हो रही, तो ये चीजें हैं, वो कब क्लियर होगा, जब उनका विजन क्लियर है तभी तो नाम लिखेंगे ना, तभी तो लिस्ट बनाएंगे ना, उसी चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ। और यहाँ 1 लाख नहीं, यहाँ तो सपोज मानिए कि अगर आप अपने जो भी आपके डेब्ट में जो आपके पार्टनर है
सोचिए कि अगर वो जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि हम कई डायमंड अपने डेप्थ में वो निकालना चाह रहे हैं, सेल्स मास्टर निकालना चाह रहे हैं, तो समझ सकते हैं कितना मिल रहा है, 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है ना। इस अपॉर्चुनिटी को समझिए, ये है क्या, बहुत सारे पैसे आते हैं, बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हमको लिस्ट तो बनाना ही है और उसको कैटेगराइज करना है, ठीक है। उसके बाद में सपोज मानिए कि कई लोग जो है आपका रजिस्टर में जिसको भी करते हैं वो भी मतलब उनको क्या करना है, आपको अपने जो एक्सप्लेन जो है अवार्ड उनको कंपनी का जो भी विजन उनको आप बताइए, तो वो जो है मतलब लगभग वो आपके साथ में पहले तो घबराते हैं कि हम ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता किसी का, मैं किसको बोलूं, ये सारी चीजें जब आप उनके साथ में अच्छे से बात करके करते हैं, उनका विजन क्लियर करते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। उनके बारे में वो बोलते हैं ये तो प्रोडक्ट बहुत वो है जिसको हम कैसे सेल करें, जैसा कि बताएं चूंकि हमारा बिजनेस जो है ये सेल का नहीं है, है ना, ये वी ए क्या रिपीट कंज्यूमर योर सेल, पहले हमको खुद कंज्यूमर बन जाना है, हमको प्रोडक्ट अच्छा लगता तभी हम लोगों को शेयर करते हैं, ये हमारा कोई मतलब ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम हमारी कंपनी सेल कर रही है, कोरियर चार्जेस वगैरह सब उधर से, वो आपने कुछ नहीं किया है, आपका कुछ भी इसमें लगा नहीं है, आप सिर्फ अपने समय को इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही आपका इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद इन्वेस्ट तो सभी करता है ना, सभी करता है। सपोज मानिए कि अगर यहाँ पास लोगों को 1 लाख रुपये महीने की चाहिए तो 1 घंटे की कितनी होती है लगभग, 1 घंटे का लगभग कॉस्ट कितना होता है, आई थिंक 400 रुपीज, 4000 एक घंटे का, क्या कैलकुलेशन करो, मेरी मैथ ठीक नहीं है, 200 रुपये 1 घंटे का होता है अगर 1 लाख रुपये हम महीने की चाहिए तो। देखिए ये ऐसे ही निकल गया, कैलकुलेशन करके मैं आया नहीं था, कोई बात नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या है दूसरे से हम सीखते हैं। अब यहाँ पर सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति कम से कम 2 से 4 घंटे टीवी में टाइम देता है कि नहीं देता है, देता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो 2 घंटे कम से कम टीवी में टाइम नहीं देता, कोई न्यूज देख रहा है, कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, बहुत सारा चीजें देख रहा है, आप अगर उसी को अगर इसमें एक्सप्लेन कर दें तो आप समझ सकते हैं, आप अपना देखिए सिर्फ टीवी में समय नहीं दे रहे हैं, आप अपने पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, 400-500 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं, प्लस आपका क्या 1 लाख का टारगेट है कि हमको महीने में अगर एटोमिस 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है, और 1 घंटे का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो करीब करीब 200 रुपये होता है, अब सोचिए कि 2 घंटे टीवी देखते हैं तो हमें कितना बर्बाद, ऐसे बहुत सारे काम है जो बिना मतलब होता है। हम मैं गारंटी देता हूं कि अगर हम 90% बिजनेस को लेकर के चलते हैं ना तो उसमें 10 से 20% ही हम बिजनेस की बात करते हैं, बाकी बातें फालतू होती है, होती कि नहीं होती है, तो उसको धीरे धीरे हमको अपनी लाइफ में धीरे धीरे उसको कम करना है, डायरेक्ट नहीं होगा, हमें जो जरूरी बातें हैं हम उसी को करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और उसके बाद में कोई बोलेगा भैया हमारे पास तो टीम ये नॉट गेटिंग लीडर, हमारे पास तो कोई बड़ा टीम नहीं है, तो सब तो स्टार्ट करते हैं जीरो से ही, किसके पास बड़ा टीम होता है, अब उनसे बात कीजिए, ठीक है। तो उनको जो है सीधा बोलिए कि आपको जो है उनको जो सिस्टम से जो है उनको जब तक क्लिपिंग नहीं करेंगे, सिस्टम के बारे में बताएंगे नहीं, तो आपके साथ में थोड़ा सा घबराएगा कोई भी नया व्यक्ति जो है, तो हमको ये भी करना है कि उनको रियली में हमको अवगत करवाना है कि भाई यहाँ पास जो है अगर आपके पास में बड़ा टीम नहीं है तो बड़ा टीम कैसे हो सकता, सभी लोग जीरो से स्टार्ट किए थे, हर व्यक्ति जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, हम लाइफ में हर चीज कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, ठीक है। जब हम छोटे थे तो भी चलना कभी कभी तो सीखे होंगे ना, कई बार गिरे होंगे, ऐसा होता है, कोई भारी चीज नहीं है, तो उनको कॉन्फिडेंस देना है ना कि मतलब उनको मतलब थोड़ा सा हम ले लिए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपना हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा नहीं है, हमें डे बाई डे ग्रो करना है और इसको हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के करेंगे तो निश्चित है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमको उनके साथ में मतलब ऐसा करना है कि वो हमसे रिलेट करें, बिल्कुल तभी आपके साथ व्यवसाय में आएंगे, ओके। अब यहां पास होता है फॉलोअप हो गया, काउंसलिंग हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है। देखिए बहुत अब यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्टली लाइक सक्सेसफुली क्यूपर ड्यूड इट दैट फर्स्ट स्टार्टेड मेक अप योर माइंड। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको फॉलोअप क्यों करना है, हमको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो किनको फॉलो क्यों करना है, फॉलो क्यों करना है, एटोमी में अगर आपको सक्सेस होना है तो फॉलो क्यों करना है, जो रियली में
जो यहाँ पास कई ऐसे लीडर्स आए, आप सभी हैं जो देख रहे हैं, जिन्होंने पैसा बनाया है, बना रहे हैं और भी पर में, जैसे हमारे हेंगिल पार्क सर हैं, इनका वीडियो वगैरह देखिए, एटोमी के जो भी सक्सेस सेमिनार वगैरह और उनको देखिए, तो वहाँ पर आपको एक से एक लोग मिल जाएंगे। जितने भी हमको फॉलो उन्हीं को करना है जो इस व्यवसाय में आने के बाद में उन्होंने अपना कैरियर को बनाया है, लेकिन हम फॉलो किसको करते हैं? पड़ोसी को करते हैं ना। मेरी बातों को अनथा नहीं लीजिएगा, सभी के साथ में होता है, सभी के साथ में होता है और ये होता ही है। अब यहाँ पर सीखिए कि अंकल मैं आपको देखता हूँ, पड़ोसी को लोग कैसे फॉलो करते हैं। सपोज मानिए कि आपके बच्चे को किसी को बुखार आ गया, ठीक, कहाँ ले जाएंगे उसको? डॉक्टर क्या करेगा? कॉमन क्रॉसिंग तो लिख ही देता है, कहाँ आ गया, घर में बगल में कौन मिला, पड़ोसी, कहाँ गई थी, ऐसा था ना? ठीक है, तो जब ऐसा आता तो फिर वहां पर हम क्या बोलेंगे कि हमारे मतलब बच्चे को बुखार था तो हम डॉक्टर के पास गए थे हॉस्पिटल, और वहां पर बोले क्या मिला है, क्रॉसिंग, बोलेगा इसको फेंक, बोलेगा क्यों, तो बोलेगा तुलसी का काढ़ा पिला तेरा बच्चा ठीक हो जाए, सही है। और उसमें से कितने लोग करते हैं ऐसा? मोस्टली करते हैं, लेकिन यहां हाथ उठाएंगे नहीं, मोस्टली करते हैं लेकिन यहां पास टाइम नहीं है क्या? अरे दो मिनट बोल देना, ना बीच में कहां पर रोक दिया समझ में नहीं आता है, टाइम दिया करो तब बोले भेजा करो भाई, ठीक, ओके, थैंक यू सर, ठीक है। अब बताइए ये सच है ना, लोग करते हैं कि नहीं करते, फेंक देते हैं किसको, मेडिसिन को। और जो डॉक्टर है क्या किया वो, कम से कम जैसा भी डॉक्टर हो 5 साल मेडिकल कॉलेज में रहा है या नहीं रहा है, तभी तो बना है ना। जैसा भी हो सकता है उसके ऊपर आपको फेंक ना हो, लेकिन उसने कुछ तो लिखा होगा आपके बच्चे के लिए। लेकिन पड़ोसी हो सकता है, अंगूठा भी लगा सकता है, ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसा नहीं, हो सकता है ना, लेकिन हम उनकी बातों को फॉलो कर लेते हैं। तो हमें किनको फॉलो करना है, जो व्यक्ति ऑलरेडी सक्सेस है। पिक्चर क्लियर हो गया यहां तक? ओके, थैंक यू, नेक्स्ट।